कितना बड़ा गधा है ये। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे लड़ाई के टाइम पे, तब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने गए थे तब यहाँ पर रुके थे। तब से यहाँ पर मंदिर बना है जाकू टेम्पल के नाम से। हमने मैप खोल दिया, यहाँ देखा रहे 900 मीटर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं जाकू टेम्पल हनुमान जी के दर्शन करने। तो आज हम मॉर्निंग में निकल गए यहाँ से। हमने सोचा कि हनुमान जी के दर्शन कर लेते और उसके बाद हम होटल चेकआउट कर देंगे। तो गाइस, हमें माल रोड होके जाना पड़ेगा जाकू टेम्पल के लिए। और जाकू टेम्पल माल रोड से थोड़ा सा ऊपर ही होता है, माल रोड से दिखता है हनुमान जी की मूर्ति जो है। और चलते गाइस जाकू टेम्पल और दर्शन करते हनुमान जी की। गाइस, हम जब 26 जनवरी को आए थे, 25 जनवरी को, तब से ये बना हुआ है और ये आगे से स्टार्ट हो जाता है माल रोड। गाइस, हम इतना जल्दी आए आज, माल रोड की दुकानें भी नहीं खुली है। आकर माल रोड की दुकानें भी नहीं खुली आज, तो हम सोच रहे जल्दी जल्दी जाके दर्शन करते। गाइस, हम फाइनली पहुंच गए माल रोड और ये दिख रहा है हनुमान जी की स्टैचू। तो यहाँ से है लगभग 1.7 किलोमीटर, तो चलते फटाफट। हमारे देश की तिरंगा, और हम पहुंच गए माल रोड फाइनली। और ये सामने है चर्च, और चर्च के ऊपर से ही दिखता है ये हनुमान जी की मूर्ति। तो गाइस, फटाफट चलते हैं और दर्शन करते हैं हनुमान जी की। और यहाँ से व्यू देखो, कितना मस्त सा व्यू आ रहा है, ब्यूटीफुल सा सीन है पूरा यहाँ से। कितना खतरनाक व्यू है, शिमला का मोस्ट पॉपुलर व्यू है। और इसके पीछे ग्लेशियर्स दिखता है यहाँ से, कितना सुंदर लग रहा है। गाइस, इस साइड का व्यू देखो, कितना मस्त लग रहा है, ब्यूटीफुल सा। और जाकू टेम्पल के लिए कितना खाड़ी चढ़ाई है। और इस लेफ्ट साइड से सीढ़ी भी दे रखा है, सीढ़ी से जा सकते अगर जाना चाहते तो। यहाँ से उतरने में बहुत टफ होता है, कल रात को हमने यहीं से उतरा था। हाँ। सच में नीचे का देखो कैसे खतरनाक सा लग रहा है, थक गए इतने दूर चढ़ते चढ़ते। चढ़ाई देखा, पूरा खाड़ी चढ़ाई है। और हमने मैप खोल दिया, यहाँ देखा रहे 900 मीटर और जाना पड़ेगा हमें 900 मीटर। अरे बंदर को देख के ना, यहाँ का बंदर को देख के तो डर लगता है, लेकिन इन लोग कैसे डर रहे। तो गाइस, फाइनली हम जाकू टेम्पल पहुँच गए और यहाँ से स्टार्ट होता है जाकू टेम्पल की चढ़ाई। और इसके आगे हनुमान जी की बहुत बड़े से मूर्ति है, तो जाके दर्शन करते बड़े से मूर्ति हनुमान जी की। और कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली जरूर लिख देना गाइस। इस साइड से पूरी खड़ी चढ़ाई है, कितना खतरनाक लग रहा है। बंदे आधे आधे दूर चढ़ चढ़ के ऐसे बैठ जाते। शिमला में सिर्फ जाकू टेम्पल में ही बर्फ़ गिरा हुआ है, अदरवाइज माल रोड पे कहीं भी बर्फ़ नहीं है, बस जाकू टेम्पल में बर्फ़ है इस साइड से। और बंदे यहाँ से भी फ़ोटो खींचा तभी ऐसा हालात हो गया, काला काला पड़ गया। तो गाइस, फाइनली हम जाकू टेम्पल पहुँच गए, एंट्री गेट पे ही खड़े हैं। और ऐसा है कुछ जाकू टेम्पल का एंट्री गेट, और इसके अंदर है हनुमान जी की मूर्ति। और यहाँ पर कितना मस्त सा गेट पे स्ट्रक्चर बना हुआ है हनुमान जी की, राम जी की, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो चलते अभी अंदर, इसमें लिखा हुआ है हनुमान जी की मंदिर। जय बजरंग बली। और इस साइड सिर्फ जा सकते, और यहाँ पर जीना भी बना रखा है, कितना सुंदर सा। तो हम तो गाइस जीने से जा रहे, और बहुत ही जीने पे जाने में अच्छा लगता है। यहाँ पर गाना बज रहा है, बहुत मस्त लग रहा है गाना। ये वाला रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है, पतला सा रास्ता है, ट्रैकिंग करने वाले बंदे के लिए मस्त है ये रास्ता। हाँ। और हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से आई ये जगह। गाइस, फाइनली दर्शन हो गए बजरंगबली, जय बजरंगबली गाइस। गाइस, ये है हनुमान जी की मूर्ति, और मंदिर है ये वाला। और यहाँ पर आप ये जो इतना बड़ा गधा है देख सकते,
कितना बड़ा गधा है ये, और कितना सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ से व्यू देखो, कितना सुंदर सा व्यू है। और ये है हमारे बजरंगबली। ओए होए होए, जय बजरंगबली। और प्यार देखो, जय 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 बजरंगबली की जय हो, जय सिया राम। और ये मंदिर है। बस फाइनली हमने घूम लिया यहाँ पर, और यहाँ पर फोटो भी खिंचा लिया हनुमान जी के साथ। और अभी हम जाएंगे मंदिर दर्शन करके, फिर थोड़ा सा इधर उधर बैठ के फिर नीचे चले जाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर चश्मे का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि चश्मा ले लेते हैं मंदिर। इनके चश्मा तो उन्होंने पैकेट में रख दिया। और ये है मंदिर, तो मंदिर दर्शन करके आ रहे बाकी लोग, और हम अभी दर्शन करने जाएंगे मंदिर दर्शन करते। इस साइड पार्क सा बना रखा है, चिल्ड्रन पार्क, बच्चों के लिए खेलने के लिए। और कितना मस्त सा दर्शन है, आय हाय हाय। तो चलते अभी दर्शन करके आते पहले। और मंदिर कुछ ऐसा है, पूरा लाल कलर के रंग है, क्या मस्त है यह मंदिर है। ये है, ऐसा है कुछ मंदिर, जय बजरंग वाले। बहुत सुंदर सा मंदिर है, क्यूट सा। ये है मंदिर हनुमान जी का। गैस, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे लड़ाई के टाइम पे, तब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने गए थे तब यहाँ पर रुके थे। तब से यहाँ पर मंदिर बना है जाकू टेंपल के नाम से। और अभी दर्शन करते पहले, चलते अंदर मंदिर के। जय बजरंग वाली, 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 जय बजरंग वाली। मंदिर के अंदर कुछ ऐसा है, बहुत सुंदर सा दर्शन के साथ। गाइस, फाइनली मंदिर के ऊपर भी इस साइड बर्फ गिरा हुआ है, ये स्नो गिरा था यहाँ पर, और धूप निकला इसलिए पिघल जाता है यहाँ से। जय बजरंग वाली। और यहाँ से कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, जय बजरंग वाली। गाइस, कमेंट सेक्शन में जय बजरंग वाली ज़रूर लिखना। तो गाइस, दर्शन हमने कर लिया बहुत अच्छे से, और टीका भी लगा लिया। और इस साइड से फ़ोटो खींचने के लिए बहुत अच्छा सा पार्क टाइप का बना रखा है, बहुत सुंदर सा, ये देखिए। और यहाँ से क्या व्यू आ रहा है, फ़ोटो खींचने के लिए बैठने के लिए पार्क बना रखा है मंदिर के सामने ही। और हम चलेंगे इस साइड, यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ कितना। ये देखो गाइस, क्या ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। और ये भी कुछ मंदिर टाइप का लग रहा है मेरे को। बस यही था गाइस। और अब हम चलते राइट साइड, राइट साइड आपको दिखाते जो बच्चों की खेलने की जगह है वो। गैस गैस, सच में हनुमान जी की दर्शन करके मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा मंदिर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है गैस। और कमेंट सेक्शन में जय सिया राम और जय बजरंग बली ज़रूर लिख देना गैस। गैस, मंदिर के राइट साइड में है ये कैंटीन है, आपको कुछ खाना वगैरह हो तो यहाँ से खा सकते हैं आप। ये रहा कैंटीन है, बहुत ही सस्ते प्राइस में है खाना वगैरह। और एक चीज़ बता दूँ, इस मंदिर का जो हाइट है वो है 8050 फीट। वेलकम टू जाकू। लोग इधर भी फ़ोटो खिंचाने जाते। और इस साइड ये देखिए, हल्का हल्का बर्फ़ दिखता है यहाँ पे, ये बर्फ़ गिरा हुआ था। और ये है बच्चों के खेलने के लिए झूला, झूला वगैरह लगा हुआ है थोड़ा बहुत नॉर्मली खेलने के लिए, ताकि बच्चे खेल सके। और बस यही है गाइस, अब नीचे की तरफ उतरते। बहुत सुंदर मंदिर है गाइस, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और अभी चलते आगे, आगे जाके कुछ खाते, मैगी वैगी कुछ खा के फिर नीचे उतरते। गाइस, बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ देखो सिलेंडर कैसे लाते इन लोग, ऐसे ऐसे लाते सिलेंडर, कितनी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। फाइनली मैगी आ चुकी है, एक आया और दूसरा भी आ रहा है यहाँ पर। मैगी खाते गरम गरम, कल की तरह मीठा ना हो बस।
कुफरे में तो मीठा मीठा मैगी मिला था और अभी खाते देखते कैसे स्पाइसी मिलता है। गाइस आज का मैगी तो सही लग रहा है। आज का मैगी कैसा लग रहा है? एकदम जबरदस्त चटापट वाले टेस्टी टेस्टी मैगी। गाइस हनुमान मंदिर के सामने ही बाबा बालकनाथ मंदिर है और हमने दर्शन कर लिया और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ क्योंकि हमें होटल चेकआउट करना है क्योंकि अभी 11:30 हो गया। आधे घंटे के अंदर हमें पहुंचना पड़ेगा। कितना बड़ा टास्क है, यहाँ से हनुमान मंदिर से पहुंचना पड़ेगा गुलमार्ग रेजिडेंसी। तो फटाफट उतरते हैं और चेकआउट करते हैं होटल। हम जाकू टेम्पल से उतर के दोबारा मॉल रोड पर आ गया और अभी जा रहे हैं हम होटल पर। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली हम वापस से होटल पहुंच गए और फटाफट से कर देते होटल को चेकआउट क्योंकि 12:01 हो गया।